चाहिए तो आप थिकनेस ऑफ लाइन का उपयोग करेंगे। आपके सामने दिखाए गए चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि यहाँ पर लाल कलर कहाँ कहाँ पर दिखाया गया है। सर आप बताना सामने देख के सर्कल कहाँ पे है रेड कलर का। क्या कहते हैं पहला सर्कल यहाँ पे है इसको क्या कहते हैं लाइन 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 टू। इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं। अच्छा इसमें बताइए इसको क्या कहते हैं साइज। आंसर सुनने के बाद बताया आपने। अब इससे क्या करना है आपको चार लाइन खींचना है। इसके उपयोग करके चार लाइन खींचना है इसका उपयोग करके। मतलब सबसे पहला लाइन पतला होगा जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद दूसरी लाइन नीचे ड्रैग करेंगे तो ये दूसरा वाला। फिर उसके बाद तीसरे वाले लाइन को खींचना है तो ये तीसरा वाला। फिर उसके बाद चौथे लाइन को खींचना है तो साइड पे जाके ये वाला। ऐसे चार लाइन ड्रैग करके आपको दिखाना है मेरे को अलग अलग विड्थ के साथ। खींच के दिखाइए जल्दी से ड्रॉप ड्रैग करके। वीडियो सबते रख लो। कल सभी लोग रेडी होके आएंगे आप सभी क्लास लेंगे। मैं ये लास्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही आपको सबको पढ़ाना है। देखिए सामने आपके चित्र हैं। वीडियो प्ले कर दूंगी। अलग अलग लाइन खींची गई है। क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं कि यह चार अलग अलग लाइन किस टूल की मदद से बनाई गई है। इन चारों लाइन को बनाने के लिए आप थिकनेस ऑफ द लाइन का उपयोग करेंगे। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं। सबसे पहले तो हम लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साइज पे जाएंगे क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन और सबसे पतला वाला लाइन को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन को ड्रैग करेंगे लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। फिर दोबारा साइज पे जाएंगे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे सबसे मोटा वाला उसके बाद लाइन। फिर यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएंगे ऐसे। डिलीट करना है अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि चारों लाइन आपको कलर के साथ ड्रैग करना है। अभी तक सिंपल था ब्लैक कलर में आ रहा था अब आपको कलर के साथ ड्रैग करना है इसे। अलग अलग कलर हो अलग अलग लाइन के स्टाइल हो यानी विड्थ हो तो क्या करेंगे आप। कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन आ रहा है सबको समझ में। जी अभी आपने सिंपल लाइन ड्रैग किया है किसके उपयोग से लाइन थिकनेस ऑफ लाइन के उपयोग से यानी थिकनेस ऑफ साइज के उपयोग से। अब आपको क्या करना है थिकनेस ऑफ लाइन का उपयोग करना ही करना है साथ में कलर भी अलग अलग यूज करना है। तो कैसे इसको बनाओगे आप सर कलर चेंज कर देंगे फिर हर बार कलर चेंज करेंगे और हर बार साइज को भी चेंज करेंगे। इमेज दिखाना वो जो वाला है नेक्स्ट इमेज इसमें एक मिनट पीछे बैठो एक और चीज आपको पीछे बैठ गई होगी थोड़ा सा आगे आगे इस चित्र के बाद जहाँ डिलीट कराते हैं ना प्ले कर दो इस
बन जाएगा। देखिए सामने वीडियो में। इस चित्र को मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको पता है कैसे मिटाते हैं? इस चित्र को मिटाने के लिए आप सभी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के बटन को घुमाएं। देखो, देखिए सभी, मैंने बोला था कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए प्लस डिलीट। प्लस का मतलब ये नहीं कि आपको प्लस का साइन प्रेस करना, नहीं, आपको अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबा के रखना है, सेम टाइम एक, उसके बाद ए, दोनों ऐसे दबाएंगे, फिर दोनों हाथ हटा लेंगे, उसके बाद कीबोर्ड में डिलीट की को ढूंढेंगे। लैपटॉप या नोटबुक में आप डी ए लिखा हुआ रहता है, देखेंगे इसमें पूरा लिखा रहता है डिलीट, या इसमें भी वैसे ही लिखा होगा कीबोर्ड में भी डी ई एल, तो ये आपका चित्र जो है डिलीट हो जाता है। आगे प्ले करो और उसे अपने एक हाथ से दबा के रखें, फिर आप सभी अपने कीबोर्ड में एक के बटन को ढूंढें और उसे दूसरे हाथ से दबाएं, फिर अब आप अपने कीबोर्ड में डिलीट के बटन को ढूंढें और डिलीट के बटन को एक बार दबा दें, जिससे कि आपका यह चित्र मिट जाएगा। पूरे सीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड होता है सर? पेंट के सीट के, जो पेंट का सीट है हमारा, कंट्रोल है। और डिलीट करने के लिए क्या होता है? कोई नहीं बताएगा, अब बताओ सर ने बता दिया, सीट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, आपको बताना है पेंट के सीट पे ड्राइंग बनाया गया आपने, शॉर्टकट कमांड के द्वारा कैसे डिलीट करेंगे। अभी आपने डिलीट किया था इमेज बना के शॉर्टकट कमांड के द्वारा, वही बनाया करके देखो आप। क्या शॉर्टकट कमांड है डिलीट करने के लिए? क्या क्या प्रेस किया आपने? कंट्रोल ए, उसके बाद डिलीट, ठीक है, सबको क्लियर है? आगे प्ले करो, रुक जाओ, रुक जाओ, सामने आप देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है, कलर पैलेट क्या होती है, आपको पता है कलर पैलेट क्या होती है? कलर पैलेट प्ले करो। अब हम इस स्लाइड में कलर पैलेट के बारे में सीखेंगे कि कलर पैलेट क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि कलर पैलेट का उपयोग क्यों करते हैं? कलर पैलेट का उपयोग कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 की मदद से उपयोग में लाते हैं। इस कक्षा में आप सिर्फ कलर बॉक्स 1 के बारे में सीखेंगे। सामने दिए गए चित्र में लेफ्ट साइड में विंडो एक्सपी है, इसमें देख सकते हैं एक कलर बॉक्स के ऊपर दूसरा कलर बॉक्स है। वीडियो जो कलर बॉक्स विंडो एक्सपी में कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 कहां पे होता है? नीचे। कलर 1 ऊपर होता है और उसके ठीक नीचे कलर बॉक्स 2 होता है विंडो एक्सपी में। और विंडो 7 में क्या होता है? कलर 1 और कलर 2 लिखा हुआ रहता है, ठीक है। विंडो एक्सपी में कलर 2 को सेलेक्ट करने का मेथड अलग होता है, जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी आपको कलर 1 पे फोकस करना है। 7 में सेम होता है, 7 में सामने आप उस पे क्लिक कीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। हां, इसमें क्या है कि आप कलर 2 पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको माउस या टचपैड के राइट बटन को दबाना होगा, ठीक, तो उसमें वो कलर आता है जो आप कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि कलर 1 किसके लिए यूज होता है, कलर 2 किसके लिए यूज होता है। कलर 1 और कलर 2 दोनों का उपयोग अलग-अलग है, ठीक है। प्ले करो, आगे ऊपर है वह कलर बॉक्स 1 है और नीचे वाला कलर बॉक्स 2 है और राइट साइड में विंडो 7 का चित्र है, इसमें कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 और कलर पैलेट को दिखाया गया है। इन दोनों चित्रों में यह दिखाया गया है कि सबसे पहले हम कोई भी एक कलर जो कि कलर पैलेट के अंदर है उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, वह कलर बॉक्स 1 में आ जाएगा। उसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे, वह लाइन ठीक उसी कलर की होगी जो आपने सेलेक्ट किया है। कलर बॉक्स 1 से हम आउटलाइन के कलर को बदलते हैं। कलर 1 से क्या होता है? कलर 1 का उपयोग किस लिए करते हैं?
पेंट का सीट को पेंट कर लो अंजन आप ले ब्लैंक करो कलर वन किस लिए उपयोग करते हैं कलर वन आउटलाइन के लिए यूज होता है अब ये आउटलाइन होता क्या है जैसे मान लीजिए हमने रेक्टेंगल बनाया या फिर ट्रायंगल बनाया कोई सबसे उसके बाहर का कलर जो लाइन ड्रैग कर रहे हैं वो उसके अंदर नहीं उसके अंदर उसमें बाहर वाला उसके बाहर वाला वो होता है आपका आउटलाइन अगर उसके अंदर आ रहा है कलर वो क्या होगा फिल फिल के लिए यूज होता है कलर टू मतलब आपको एक रेक्टेंगल बनाना है उसके अंदर आप चाह रहे हो कि कलर फिल होके आए तो आप क्या यूज करेंगे कलर टू उसके लिए एक और ऑप्शन का उपयोग किया जाता है वह होता है आपका फिल यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं है यहाँ पे है वो हाईलाइट नहीं ये वाला ये हाईलाइट नहीं हुआ अभी वो आगे हम सीखेंगे अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कलर वन आउटलाइन के लिए और आपका कलर टू फिल के लिए डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया समझा सकते हैं ना आप कलर वन आउटलाइन के लिए आउटलाइन कलर वन आउटलाइन क्या होता है फॉर एग्जांपल बाहर की लाइन जो हम रेक्टेंगल ओवल या कोई लाइन टूल से किसी बॉक्स या ट्रायंगल के चित्र को बना रहे हैं तो उसके बाहर वाला कलर जो है हमारा आउटलाइन होता है बॉर्डर क्लियर है हाँ बॉर्डर क्लियर है आप एग्जांपल अलग अलग दे सकते हैं जरूरी नहीं है कि जो हम दे रहे हैं आपका समझाने का तरीका अलग होता है किसी और का तरीका अलग होता है तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या एग्जांपल दे रहे हो है तो आउटलाइन